आ जाओ भाई। अबे काट रहा है। अरे 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 डर गया मिट्टू, डर गया आज। अरे मिट्टू अंदर आ गई, अंदर आ गई मिट्टू, अंदर आ गई। बस ये काट वाट ना ले, मुझे चौकन्ना रहना उसकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई हमारे जो डब्स हैं ना दोस्तों, वो बजेश के साथ काफ़ी खुश रह रहे हैं और सेट रह रहे हैं। पर एक चीज़ है, बजेश को वो जगह ही नहीं देते हैं सारे के सारे। ये देखें, सारे के सारे घुस जाते हैं सबसे पहले, और बजेश जो शक्ल देखते रहते हैं, चारों के चारों कोनों में चिपके रहते हैं। सारे घुस गए हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया पूरी की पूरी उस पर। उन्हें भी जगह दो भाई। इनकी कटोरियाँ भी मैंने लेकर आनी हैं, जो होती हैं यहाँ पर फिटिंग के लिए, और लेकर आऊँगा ताकि इनके पूरा सेटअप तरीके का हो और खाने को सबको लिमिटेड मिले। तो देखिए हमारे बजेश जो है बेचारे तड़प रहे हैं दूर से। वो देखें, वो बार बार खाने को बीच में आता लेकिन आ नहीं पा रहा। नहीं भाई घुस गया, भाई घुस गया, हटा दिया। अब हमारे बजेश कब्जा कर लेंगे। है तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको बजेश दिखाने थे कि हमारे बजेश कितने बड़े हो गए हैं, और माशाल्लाह से एक तो काटने भी लग गया है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा काट रहा है। खैर चलें, इनको पहले मैं कर दूँ सारा इनका सेटअप, खाना पीना, फिर आप लोगों को लेके चलता हूँ उनके पास। लेकिन मुर्गे मुर्गियों को भी खोलना है भाई। तुम्हें भी डाल रहा हूँ, ये लो सेब लाया हूँ आज। आज इनको अमीरों वाली डाइट खिलाएंगे। ओहो खुशी तो देखो इनकी। तो दोस्तों आज जो है ना, हमने इनको वो दिया है लग्जरी खाना, जो अमीर लोग खाते ना सुबह सुबह में डायरेक्ट सेब। क्यों इसको खा कैसे रहा देखो कितने खा रहा है। तुम भी खा लो, पहले नाश्ता करो अपना जाके जाओ भाई। सबसे पहले गली में इनको डालते हैं, बहुत भूखे हो रहे हैं। क्या हुआ, बाजरा नहीं पसंद बेटा? आज तो यही खाना है अभी। पता नहीं यार, बाजरे पे नहीं आती है, बड़ी बात है। और ना बाजरा तो खाते हैं सर, खाते हैं मुर्गे। खैर चलें, थोड़ी देर रख दिया है, खुद ही खाएंगे ये जब इनको भूख लगेगी। वो देखें मारा उसने मुँह फौरन। फीड अब इनको मैं शाम में दूंगा दोस्तों। ये अरे गिरा दिया सारा। हर मर्तबा दोनों का यही होता है, दोनों के दोनों गंजे ये गिरा देते हैं दोस्तों, और मेरे दिमाग घुमाते हैं क्या करते हैं। ये देखो सारा गिरा देते हैं, सारा गिरा दिया नीचे। यार ये नरम हुई या नहीं हुई? थोड़ी सख्त हो रही है अभी रोटी, तो थोड़ा ठहर के इनको खिलाता हूँ, 10-15 मिनट और दे देता हूँ ताकि थोड़ी नरम हो जाए ना, ताकि मेल्ट हो सके, खा सके आसानी से। वही इनकी रोटी। चलो भाई जाओ जल्दी 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 से जाके खाओ। तो दोस्तों हमारी जो नई मुर्गी आई थी उसको भी हम इनके साथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ूं, और ये भी माशाल्लाह सेट हो गई है। ये दोस्तों आप इनके साथ ही रहेगी, हमने फैसला करा है कि इसको भी हम साथ ही रखेंगे, सेल नहीं करेंगे। या ये बताओ, इससे भी डर रही है छोटी वाली से, जबकि वो सबसे पिटती है, सब उसको मारते हैं लेकिन उससे डर रही है ये। दोस्तों एक चीज देखें आप, यहाँ पे तीतर नहीं पड़े हुए, तो वो तीतर जो है ड्राइंग रूम में है, क्योंकि कल जो है जिसका नाम मैंने गब्बर रखा था, वो जो चूहा आता है मोटा सा, वो आ गया था। कहाँ से आता है समझ नहीं आती है, वो फिर से आ गया, तो मैंने फौरन तीतरों को अंदर रखा क्योंकि वो मार देगा। अभी ये कैसे खुली? मैंने तो नहीं खोला इन लोगों को, मतलब ये कल शाम की खुली हुई है, मैं बंद करना ही भूल गया। तो करे कि ये इधर ही रहते हैं और इनको आदत अच्छी पड़ गई है। हाँ हाँ, ये लो पानी भी आ गया, जल्दी जल्दी खाओ पियो, तुम दोनों को डालता हूँ। दोस्तों इनको डालने के बाद मैं जा रहा हूँ फिर नीचे। मैंने बोला था कल कि आप लोगों को बजेश दिखाऊंगा कितने बड़े हो गए, तो इनको जल्दी से कर आके बजेश के लेके पास चलता हूँ आप लोगों को। बस यूँ आ गए हैं हम ड्राइंग रूम में। दोस्तों लाइट गई हुई है, तो जनरेटर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हुई हमारे, तो इस वजह से आज लाइट नहीं है। तो बजेश को मैं आप लोगों को इसी में दिखाऊंगा, लाइट आने में अभी काफ़ी टाइम है। और ये रहे हमारे तीतर भी, पहले आप लोगों को तीतर भी दिखा दूं। ये देखें दोस्तों, अगर गब्बर इनको पकड़ लेता ना छोड़ता नहीं, गब्बर इनके पीछे बड़ा हुआ है, वो डेली बेसिस पे आता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, वरना ये दोनों यार उसके हाथों जख्मी ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर चलें, अब हम अपने देखते हैं बजेश को। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, तो बजेश जो है हमारे वो इतने बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह देखें यार। ये वाला जो है ना बहुत काटता है दोस्तों, ये देखना, ये खाने को मांग रहा है, लेकिन इसको जब पकड़ता हूँ ना ऐसे मेरी उंगली पकड़ लेता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद ये पकड़े फिर। हाँ ये साइड से पकड़ता है, आज नहीं पकड़ रहा, बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए, देखें इसके पर देखें, फ्लाइंग पर आ रही हैं। लेकिन मुझे डर रहता है कि ये उड़ा ना जाएं और ये निकल ना जाएं। ये देखें काफ़ी बड़े हो गए। मैं इनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी, इन्होंने बहुत जल्दी ग्रो अप करा है, और माशाल्लाह इतने से लाया था मैं, और आज कितने बड़े हो गए। तो दोस्तों ये जो है ना, इनकी फिर भी केयर करनी पड़ेगी मुझे, अभी भी ये ज़्यादा टेम नहीं हुए,
अभी भी ये छोटा है काफी, देखें भूख लग रही है, इनका खाना ही बना रहा था मैं। इनका सिरिलैक बिल्कुल तैयार है, इनको पहले सिरिलैक खिलाता हूँ फिर दोस्तों वहां लेके चलते हैं, और कल हम इनकी शिफ्टिंग भी कर देंगे न्यू होम में, यहाँ से चले जाएगी, इनको आजादी मिल जाएगी और ये चले जाएंगे वहां बाहर। दोस्तों ये देखें मैंने इसको बैठाया है अपनी उंगलियों पे, तो ऐसे इसको आदि डाल दूंगा, हैंड टेन भी ऐसे ही आदि होते हैं, तो माशाल्लाह बैठना शुरू हो गया है। मैं जा रहा था बाहर लेकिन मैंने बोला यार ये बैठ गया है तो दिखा दूं कि किस तरीके से बैठता है, तो माशाल्लाह देखें किस तरीके से बैठा हुआ है प्यारा सा। चलो भाई तुम्हें बाहर लेके चले। दोस्तों मैं लाइट का वेट कर रहा था कि लाइट आ जाए तो रोशनी हो जाती है, काफी अंधेरा हो रहा था घर में, तो लाइट आ गई है। इनको सबसे पहले तो बाहर लेके जाऊं, बेचारे कब से मेरा वेट कर रहे हैं। चलो भाई आ जाओ, चलो चलो आगे आगे, चलो आगे आगे। यार इनका पिंजरा भी झाड़ दूं दोस्तों, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, और इनको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। देख रहे हैं दोस्तों कितना गंद निकला, मौसम बहुत क्लास का हो रहा है दोस्तों, आउट क्लास। ये दिन मैंने ये देखें अभी सफाई करी थी पूरी की पूरी, सारा फैला देती है, गमले भी खराब कर देती है। इसको बंद करता हूँ मैं। तो दोस्तों इनको बाहर लेकर आ गया हूँ। केले क्या है क्या क्या तू तू आइया, ये भी आ गए छोटे, और इनसे छोटे दो बड़े, आपसे छोटे ही हैं पता है ना आपको। मैंने आज सोचा दोस्तों के जो हमारे रिंगनेक होते हैं ना ग्रीन वाले, तो इन दोनों को ना उन दोनों को उतार के लाऊं और इनके साथ छोड़ूं, जरा देखें वो क्या करते हैं, और यहाँ पे उन्हें छोड़ के देखते हैं कि वो करेंगे क्या इनके साथ, मतलब एक रिएक्शन देखेंगे उनका कि वो इनके साथ कुछ करते हैं या नहीं। देख के रखूंगा कि हमला ना करें, पकड़ के रखूंगा। हाँ हाँ आ गया हमारा, आ गए हैं। कितने टाइम बाद आयो, दो तीन दिन बाद आयो ना मेरे पास, है बताओ सबको। चले भाई इसको लेके चलते हैं, पहले इससे दिखवाते हैं, वो तो वैसे ही भागती रहती है। वो देखो दोस्त आए आपके, हाथ में उतारूं इसको फिर उनको दिखाता हूँ। तो ये ले दोस्तों इसको नीचे उतार दिया है, आ जाओ भाई। अबे काट रहा है, अड़े 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 डर गया मिट्टू, डर गया, आ जाओ भाई। मिट्टू के समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं इसको फिर उसी की तरफ ले आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू डर रहे हो यार तुम उससे, देखो देखो भाग रहा है उससे, दूर दूर भाग रहा है। नहीं भाई दोस्तों ये हमारा कैन रिएक्शन कुछ बना ही नहीं, क्योंकि जो हमारे मिट्ठू में है ना बहुत डरपोक हैं, इसके साथ भी छोड़ के एक मरता देख लेता हूँ मैं कि ये असरत ना रहेगा उसके साथ नहीं। ये देखो कहाँ से चढ़ा, बिल्कुल इसके अंदर इसको दोस्तों अंदर डालते हैं, आप उसे निकालते हैं। चलो भाई इसको देख लो, आ जाओ। हाँ भाई ये थोड़ा सा रिएक्शन करिए, परेशान हुई है, बोलिए क्या है, जाएगी ज़रूर इनके पास। हाँ अरे मिट्ठू अंदर आ गई, अंदर आ गई मिट्ठू, अंदर आ गई, बस ये काट वाट ना ले, मुझे चौकन्ना रहना उसकी। देखो वो बेचारा परेशान हो गया, डर रहा है, कुछ नहीं है बेटा कुछ नहीं है। कामयाब हुआ हम कि हम डर रहे थे कि वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वही अंदर गई है, और जो हमारे जो मिट्ठू में है वो बहुत डर हो गए। तो दोस्तों डर तो नहीं रही है माशाल्लाह से, देखें आ जाओ। मैं चाह रहा हूँ इनको इसको फिंगर पे लाऊं, आ तो ये भाई दोस्तों एक एक घंटे में ले आया हूँ, अरे ये मिल जाएगा दोस्त। चलो आ जाओ आ जाओ। दोस्तों आज का रिएक्शन हमने देख लिया, हमारे जो ये बेचारे छोटे छोटे हैं ये काफ़ी डर रहे हैं, और इनका डर मैंने निकालना है अब, तो इनको मैं यहीं इनके साथ रखूँगा, ऊपर की तरफ दूसरा पिंजरा डाल के, तो कल इंशाल्लाह पिंजरे की हालत में थोड़ी सेट कर दूंगा, आपने देखी थी ख़राब है, तो सेट वेट करके इन दोनों को उसमें डाल दूंगा ताकि इनका डर निकल जाए, खौफ निकल जाए इन सारे परिंदों का। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, तो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें, और जो मेरा चैनल है घर में शौक उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चलो बाय बाय करो, बाय बाय करो, बोलो बाय बाय।